हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट पेपर वन में अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है इंडिया में, वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी जो भी करंट प्रेसिडेंट होंगे उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाएगा। तो जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, वो सेम है जो हमारे एमपी के जो क्वालिफिकेशन होती है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि जो प्रेसिडेंट बनने की जो एज लिमिट है, वो हमारी मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज है। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इनसॉल्वेंट यानी कंगाल नहीं होना चाहिए, और साउंड माइंड के होने चाहिए। जो इलेक्शन मेथड है प्रेसिडेंट का, वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। उनको कौन चूज करता है? उनको इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा चूज करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा चूज करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो स्टेट के एमएलएज होते हैं वो उनको वोट देते हैं, और यूनियन टेरेटरीज के एमएलएज। यूनियन टेरेटरीज में भी सिर्फ दो यूनियन टेरेटरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जो टेन्योर होता है हमारे प्रेसिडेंट का, वो होता है 5 इयर्स का। और जो उन्हें ओथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ जाए किसी वजह से, तो कौन उनका रेजिग्नेशन रिसीव करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव करते हैं। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब उन्हें अगर अपने पद से हटाया जाए तो किस वजह से हटाया जा सकता है और उसका प्रोसेस क्या है। तो जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तब उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। और उसका प्रोसेस है कि या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मेंबर एटलीस्ट उनको रिटन नोटिस दें कि आपको हम हटाने जा रहे हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जो है 14 डेज का टाइम होता है उसको रेस्पॉन्ड करने का। वो अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं। अगर उनका क्लैरिफिकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, तो उसके बाद जो है एक स्पेशल बिल पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी का फ्रेंड्स मतलब होता है कि एटलीस्ट 66.67% ऑफ द वोट, यानी 2/3 ऑफ द वोट इन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में सेपरेटली इतने इतने वोट चाहिए और दोनों बिल पास होना चाहिए, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को जा सकता है। अब ये याद रख लेते हैं हम कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से होती है। तो वैसे तो बहुत सारी पावर्स होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 पावर्स मैंने नोट डाउन किए हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड पार्डन पावर। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो बेसिकली अपॉइंटमेंट की पावर होती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अक्सर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से किसको जो है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में, उनकी एडवाइस पे उसको भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसको भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, देखिए ये सारी सेंट्रल की चीज़ें हैं, जितने भी हमारे सेंट्रल के लोग होंगे उनको ही हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए ये क्या होता है बेसिकली, कैग इसको कहते हैं, आपने न्यूज़ में सुना होगा, ये हमारे ऑडिट करता है कंपनीज का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे बड़े बड़े स्कैम खुल के आते हैं। तो इसको भी कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसको भी हमारे प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। तो देखिए जितनी भी नेशनल कमीशन होती है उनके चेयरमैन को भी कौन नॉमिनेट करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो एससी एंड एसटी कमीशन हो, विमेन कमीशन हो, या फिर माइनॉरिटीज कमीशन हो। मिलिट्री पावर्स, तो मिलिट्री पावर्स क्या होती है? देखिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके सुप्रीम कमांडर यानी चीफ ऑफ आर्मी बेसिकली हमारे कौन है? वो है प्रेसिडेंट। तो आर्म्ड फोर्स के अंडर क्या क्या आता है? हमारा एयरफोर्स आता है, नेवी आता है और आर्मी आती है। डिप्लोमेटिक पावर्स, देखिए जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में हैं, और जितने भी बाहर के एम्बेसडर्स हमारी कंट्री में हैं उनको सेंड और रिसीव कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट होता है हम दूसरे देश के साथ जो सिग्नेचर करते हैं, बेसिकली उस पर किसका साइन होता है? हमारे प्रेसिडेंट का साइन होता है।
लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास ये रहती है कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा में, वो उसको एंड कर सकते हैं, लेकिन डिसॉल्व वो खाली लोकसभा को कर सकते हैं, राज्यसभा को वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट हमारे जो हैं वो दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के लिए, और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स वो नॉमिनेट करते हैं उनको बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका, चाहे आर्ट की फील्ड में हो, लिटरेचर की फील्ड में हो, साइंस की फील्ड में हो, या फिर सोशल साइंस की फील्ड में हो। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से वो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर किए हुए वो बिल इफेक्टिव नहीं हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए हमारा जो सेशन होता है पार्लियामेंट का तभी कोई बिल पास होता है, लेकिन साल के 365 दिन तो सेशन चलता नहीं है, ये कुछ कुछ महीने में ही चलता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कुछ ऐसी इमरजेंसी लगी, कुछ उनको कुछ लागू करवाना है कानून या कुछ पास करवाना है, तो वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और वो ऑर्डिनेंस उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से कोई भी एक्ट होता है हमारा जब उसे पार्लियामेंट पास करती है। उसकी कंडीशन ये है कि जब भी हमारे पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा उसके 6 हफ्ते पहले जो है वो बिल बेसिकली दे दिया जाएगा उनके हमारे मेंबर्स को, और उनको बेसिकली वो पास करना होगा। अगर वो पास नहीं करते हैं तो हमारा ऑर्डिनेंस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जब तक सेशन नहीं स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का वो ऑर्डिनेंस वो पास कर सकते हैं और वो लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसको, जब तक लोकसभा या राज्यसभा उसको जो है इनवैलिड नहीं करार देती है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, वो है पार्डन पावर। ये तब कम आती है जब कोई जेल चला जाता है या उसको सजा हो जाती है। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पार्डन यानी कंप्लीट पार्डन, हमारे प्रेसिडेंट चाहे तो पूरी तरह से उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। रिप्रीव, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी उसकी सजा पे जो है रोक लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। रिस्पाइट, अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस यानी जितनी सजा उसको मिलने वाली है उससे कम सजा उसको दिला सकते हैं। रेमिशन, जितनी सजा उसको ऑलरेडी मिल चुकी है उसको भी वो कम कर सकते हैं। एंड कम्यूटेशन यानी उसकी सजा को भी चेंज कर सकते हैं, ये भी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है फिर भी तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चाहे फेसबुक पर करें चाहे व्हाट्सएप पर करें। थैंक यू।